उसके लिए जान दे सकता हूँ, तू दे सकता है, तो आ। क्या होगी नए दिलवाले की भी एंट्री? क्या एक्शन नहीं कॉमेडी भी देखने को मिलेगा सीक्वल में? कौन दे सकता है अजय को चुनौती? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त ओशीन आपका स्वागत करती हूं आपके ही पसंदीदा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, लेटली कई बड़े सितारे अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी लाइमलाइट में आ रहे हैं, जिनमें से अजय देवगन पर पहले ही सबकी नजरें हैं। और आपको बता दें कि अजय देवगन पिछले दिनों अपनी फिल्म रनअवे 34 को लेकर काफी चर्चाओं में आ रखे थे और अभी भी वो काफी बिजी हैं अपनी फिल्म रनअवे 34 की सक्सेस को एंजॉय करने में, और साथ ही साथ वो अपनी अगली फिल्म सिंघम 3 को लेकर काफी बिजी हैं। फिल्म सिंघम 3 की मेकिंग ऑलरेडी खत्म हो चुकी है और अब फिल्म अपनी एडिटिंग के फाइनल स्टेज पर है। ये फिल्म शेड्यूल्ड है इस साल रिलीज होने के लिए। और साथ ही साथ अजय देवगन इस साल बिजी हैं अपनी 1994 में आई सुपरहिट फिल्म दिलवाले के रीमेक में, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। क्या आपको दिलवाले नाम सुनते ही शाहरुख खान का चेहरा याद आता है? ऐसा ही हम सभी के साथ होता है, क्योंकि आखिरी दिलवाले तो उन्हीं की ही थी, काजोल, वरुण धवन और कृति सेनन के साथ। तो अब अजय वाली 1994 में रिलीज दिलवाले में भी शाहरुख खान का आगमन हो सकता है, यानी कि आपको इस बार फिल्म दिलवाले के रीमेक में शाहरुख खान का गेस्ट अपीयरेंस देखने को मिल सकता है। फिलहाल मेकर्स की तरफ से इस बात की कोई कंफर्मेशन खुलके नहीं दी गई है, लेकिन हमें फिल्म में काजोल, अजय और शाहरुख की तिगड़ी सिल्वर स्क्रीन पे देखने को मिल सकती है, वो भी पहली बार। और इस खबर को सुनकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड। दोस्तों, फिल्म में दिलवाले 2 के थीम और स्क्रिप्ट के बारे में नई नई खबरें आ रही हैं, और अभी मेकर्स की तरफ से लेटेस्ट अपडेट ये आई है कि फिल्म में ह्यूमर एक काफी बड़ा पार्ट प्ले कर सकता है। फिल्म में फनी सीक्वेंस एक काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दे सकती है कहानी को। इससे पहले भी हमें अजय देवगन को ह्यूमरस रोल्स करते हुए देख चुके हैं, जो है उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म गोलमाल, जिसके सभी पार्ट्स में हमें अजय ने काफी हंसाया, और एक बार फिर से वो तैयार हैं अपनी ऑडियंस को एक फनी और इंटेंस परफॉर्मेंस देने के लिए। फिल्म दिलवाले में अगर हम विलन की बात करें तो बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें से एक सलमान खान का भी है। उनके विलेन का रोल प्ले करने की खबरें विधाता में आ रही थी, लेकिन डिस्प्यूट की वजह से उन्हें ये फिल्म छोड़नी पड़ी, जिसके बाद ही सलमान को दिलवाले 2 के लिए अप्रोच किया गया, जिसपे वो अभी सोच विचार कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि अजय वर्सेस सलमान सिल्वर स्क्रीन पे कोई धमाल मचा पाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और ऐसे ही कुछ अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।